We'll read a verse from Ephesians. एफिसियों में से एक वचन पढ़ेंगे. Chapter 1. Chapter 1. एफिसियों chapter 1. And verse 19. वाक्य 19. एफिसियों chapter 1 वाक्य 19. Ephesians chapter 8 and verse 18 in English. वाक्य 18. Then with the eyes of your hearts enlightened, you will know the confidence that is produced by God having called you, the rich glory that is in his inheritance among the saints. और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिमय हो कि तुम जान लो कि उसके बुलाने से कैसी आशा होती है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है. It is Paul's burden and prayer. ये प्रेरित पॉलस का बोझ और प्रार्थना है. For the church at Ephesus. एफिसियों में जो कलीसिया है उसके लिए. That their eyes may be enlightened. कि उनके जो आंखें हैं वो ज्योतिमय हो जाए. Yeah. You know there are people who are partially blind. कुछ लोग रहते हैं जो थोड़ा अंधे होते हैं. If you are going towards them, they will see some image coming. अगर तुम उनकी तरफ जाओगे तो उनको थोड़ा कोई आ रहा है ऐसा दिखेगा. They do not identify who is the person coming. लेकिन वो लोग पूरी तरीके से पहचान नहीं पाते कि कौन आ रहा है उनकी तरफ. Even whether it's a brother or sister, they may not know. भले वो उनके कोई नजदीकी भाई या बहन हो फिर भी पहचान नहीं पाएंगे. Some people are totally dark. Totally blind. और कुछ लोग पूरी तरीके से अंधे हैं. And we say that there is no light in their eyes. और हम लोग बोलते हैं कि उनकी आंखों में बिल्कुल ज्योति नहीं है. And some people have a blurred vision. और कुछ लोगों का जो आंख जो उनका दृष्टि है वो धुंधला है. So various levels of eyesight is there. तो अलग-अलग स्तर के दृष्टियां होती हैं. The same way spiritually every one of us are having different levels of eyesight. उसी तरीके से आत्मिक रूप में भी यहाँ पे हर एक व्यक्ति का जो दृष्टि है वो अलग-अलग स्तर पे है. Paul's burden is that everybody's eyes should be brightened. तो प्रेरित पॉलस का यहाँ पे बोझ ये है कि हर एक विश्वासी का जो आंखें हैं वो पूरी तरह से ज्योतिमय हो जाए. It should be enlightened. कि वो ज्योतिमय हो जाए. Yeah, how is our spiritual eye? तो हमारा जो आत्मिक आंखें हैं वो कैसे हैं? Are we able to have a vision? क्या हम लोग के पास एक दृष्टि है? Blessed are those who are pure in their hearts, for they shall see God. धन्य है वो लोग जो अपने मन में एकदम शुद्ध है क्योंकि वो लोग परमेश्वर को देखेंगे. It is not with the physical eyes. तो ये लोग अपने शारीरिक आंखों से नहीं देखेंगे. With the spiritual eyes are we able to see God. लेकिन आत्मिक आंखों से हम लोग परमेश्वर को देख पाते हैं. See the ways of God. और देख पाते हैं परमेश्वर के मार्गों को. Do we have an understanding about how God works? क्या हम लोग समझ पाते हैं कि परमेश्वर कैसे अपना कार्य करता है? What is a real godliness? क्या है सच्ची धार्मिकता? What is a real spiritual growth? क्या है सच्ची आत्मिक प्रगति? So Paul's burden is that their eyes should be brightened. तो प्रेरित पॉलस का यही बोझ है कि इन लोगों के जो आंखें हैं वो लोग भी ज्योतिमय हो जाए. Eye is a very very important matter member in our body. तो आंख जो है वो बहुत ही मुख्य सदस्य है हमारे शरीर का. Yeah, we how our spiritual eyes will be brightened. तो कैसे हमारे आत्मिक आंखें ज्योतिमय हो सकते हैं? When we keep these eyes very careful. जब भी हम लोग हमारे शारीरिक आंखों को बहुत सतर्क रखते हैं. When we guard these eyes. जब हम लोग इनको सुरक्षित रखते हैं, then this eyes will be brightened. तभी आत्मिक आंखें जो हैं, वो ज्योतिमय हो जाएंगे. Yeah, the first man and woman, Adam and Eve. जो पहले पुरुष और स्त्री था, आदम और हवा. Devil wanted to tempt them. तो शैतान उनको लुभाना चाहता था. First he wanted them to see the fruit. तो शुरुआत में वो चाहता था कि वो लोग फल को देखे. It is very pleasant unto eyes. तो देखने में बहुत ही आकर्षित था आंखों के लिए. See how their whole life. Direction, everything changed. It started with eyes. तो जो भी उनका जीवन का दिशा था पूरी तरीके से बदल गया. उसका शुरुआत हुआ उनका आँखों के साथ. When their eyes started looking at something which God forbid. जब उनकी आँखें वो चीज़ पे देखने लगी जो परमेश्वर ने मना किया था. Their spiritual eyes got darkened. तो उसी समय उनके जो आत्मिक आँखें थे वो अंधकार में चले गए. They could not take the right decision. और वो लोग सही निर्णय नहीं ले पाए. And when they disobeyed, what happened? और फिर उन्होंने जब आज्ञा नहीं माना तो क्या हुआ? They saw each other's nakedness. वो लोग फिर एक दूसरे का नंगापन देख सके. It can happen to us. हमारे साथ भी ये हो सकता है. Are you able to see the nakedness of others? क्या तुम लोग दूसरों की नंगाई देख सकते हो? Nakedness means not physical, spiritual nakedness. शारीरिक नंगाई नहीं लेकिन आत्मिक नंगाई. When I see some brother, I see only his shortcomings. जब भी मैं उसके एक भाई को देखता हूँ उसमें जो कमियां है वही देखता हूँ. When I see a sister, only I see her shortcomings. या कोई बहन देखता हूँ तो उसमें जो कमियां है वही देखता हूँ. All her faults. या उसमें जो कमियां है वही देखता हूँ. Yeah, it is not telling something about the faults, but it is something revealing about your own life. तो ये इससे दूसरों की कमियां की नहीं है लेकिन तुम्हारे
हमारे अंदर जो कमी है, तुम्हारा जो आत्मिक जीवन है वही दिखता है. Yeah, their eyes were darkened. कि हाँ, हमारे जो आंखें हैं आत्मिक, वो अंधकार में चली गई हैं. Noah, no, after the floods, he came out of the ark. नूह जो था, एक बार बाढ़ आके चला गया, उसके बाद जहाज से बाहर आया. And he was fully drunk. और वो एक समय के बाद पूरी तरह से पी के सो गया था. People say, you know, after the floods, the direct sunlight started coming into the on the earth, and then the wine fermented, and somehow he drank that. तो लोग कहते हैं कि बारिश होने के बाद फिर जो सूरज की किरणें नीचे गिरी, उसके बाद दाखरस जल्दी उगा, फिर उसके बाद उसने रस निकाल के फिर वो पी गया. God did not judge him. तो परमेश्वर ने उसके ऊपर न्याय नहीं किया. But he was lying naked. लेकिन फिर भी वो नंगा सो रहा था. He had three sons. उसके तीन बेटे थे. The Shem, Japheth. Shem, Ham और Japheth. And what did Ham did? और Ham ने क्या किया? He came and saw the nakedness of his father. उसने आके देखा कि उसके जो पिता है वो वस्त्रहीन है. And after seeing the nakedness, फिर एक बार उसने नंगाई देखी. He went and spread it to his brothers. वो जाके अपने दूसरे भाइयों के इसके बारे में बोलने लगा. What happened? क्या हुआ? God cursed him. परमेश्वर ने उसी को श्राप दिया. But what happened to the other two brothers? लेकिन दूसरे दो भाइयों के साथ क्या हुआ? Shem and Japheth. Shem और Japheth के साथ. Yeah, they took a bedsheet. उन्होंने एक बेडशीट लिया, एक कपड़ा लिया. They went backwards. और वो लोग वो कपड़े को पकड़कर उल्टा चलते गए. And covered. और उन्होंने ढक दिया उनके पिता को. The father's nakedness. वो पिता के नंगाई को. They decided that they will not see the nakedness of. उन्होंने निर्णय लिया कि अपने पिता के नंगाई को नहीं देखेंगे. That's why love covers multitude of sins. और इसलिए हम लोग पढ़ते हैं कि प्रेम जो है वो कई सारे गलतियों को ढक देता है. And they too were protected. और उन्होंने ये किया to protect. Yeah, they were protected. और वो लोग उसके वजह से वो लोग सुरक्षित थे. But Ham became a very cursed generation. लेकिन हैम जो था और उसके संतान जो थे उनके ऊपर एक श्राप आया था. These two incidents we read in Genesis. ये दो घटनाओं के बारे में हम लोग उत्पत्ति में पढ़ते हैं. We also read about another judge. हम लोग और एक न्यायाधीश के बारे में भी पढ़ते हैं. I think Judges chapter 14. न्यायियों में, न्यायियों के पुस्तक में 14th chapter. Chapter 14. First verse. पहला वचन. Samson went to Timnath. शिमशोन तिम्ना को गया. And there he saw a daughter of a Philistine. और तिम्ना में एक पलिशती स्त्री को देखा. And told his father and mother, I want to marry that girl. और उसने अपने माता पिता को बोला कि मुझे वो लड़की से शादी करनी है. You know, Philistines are forbidden for God's children to marry. तो यहूदियों को मना किया गया था परमेश्वर से कि उनको पलिस्तियों के लोगों से नहीं शादी करनी. But why, what instigated him to marry that girl? लेकिन शिमशोन को क्या ऐसा उत्साह है कि वो जाके शादी करे वो लड़की से? The lust of the eyes. उसकी आँखों के हवस ने. See, the previous verse, a previous chapter tells about how Samson was born. तो इसका जो पिछला जो चैप्टर है उसमें लिखा गया है कि शिमशोन का जन्म कैसे हुआ. 24th verse, the चैप्टर 13 वाक्य 24. Woman begat a son and his name is Samson. और स्त्री के एक बेटा उत्पन्न हुआ और उसका नाम शिमशोन रखा. द चाइल्ड ग्रू एंड गॉड ब्लेस्ड हिम. और वह बालक बढ़ता गया और यहोवा उसका आशीष देता रहा. इमीडिएटली द नेक्स्ट वर्स वी रीड 14th चैप्टर फर्स्ट वर्स वी रीड द फर्स्ट थिंग अबाउट सैमसन वी रीड इट दैट ही वेंट एंड लस्टेड. और तुरंत इसके बाद अगले चैप्टर में पहले वचन में हम लोग देखते हैं कि वो उसने जाके एक पलिश्ती स्त्री को देखा और उसने निर्णय लिया कि वो उसे शादी करेगा. जजेस 16th चैप्टर. फिर न्यायियों के 16वें चैप्टर में फर्स्ट वर्स पहला वचन. सैमसन वेंट टू कासा. तभी शिमशोन अजा को गया. He saw a prostitute. और वहाँ एक वेश्या को देखकर उसके पास गया. And he lusted. और उसने वहाँ पे भी अपने आँखों का हवस निकाला. So what happened to at the end of his life? तो उसके जीवन के अंत में उसके साथ क्या हुआ? He lost the spiritual vision. उसका जो आत्मिक नजरिया था, दृष्टि था, वो खो बैठा. These two eyes were plucked. ये जो उसके दो आँखें थे शारीरिक, वो भी निकाल दिए गए थे. And he was made to grind. और फिर लोग उसको ये उनके दुश्मन के मैदान में उसकी जगह पे वहाँ पे उसको पिसा रहे थे. He became a blind man. वो एक अंधा व्यक्ति बन गया. If he go on lusting with your eyes. अगर तुम अपने आँखों के साथ व्यभिचार करते जाओगे. If he go on seeing the nakedness of others. अगर तुम दूसरों की नंगाई देखते जाओगे. Yeah, spiritually we become blind. तो आत्मिक रीति से तुम अंधे हो जाओगे. Our eyes will be darkened. हमारे जो आँखें हैं उस पे अंधकार आ जाएगा. We'll not be able to see the value of God. और हम लोग परमेश्वर का जो मूल्य है वो पहचान नहीं पाएंगे. We refuse to see the value of the church. और हम लोग कलीसिया का जो मूल्य है वो देख नहीं पाएंगे. We refuse to see God's people's value. और हम लोग परमेश्वर के जो बच्चे हैं उनका मूल्य पहचान नहीं पाएंगे. But we also saw what happened to David. फिर हमने दाऊद के साथ भी क्या हुआ वो देखा. Morning we saw. सुबह के समय देखा था. And we read good examples also. और हम लोग अच्छे उदाहरण भी पढ़ते हैं. Job, आयुब, chapter 31. आयुब 31, आयुब 31, आयुब 31, 31 and verse 1. वाक्य 1.
Job says, I have made a covenant with my eyes. आयुब कहता है मैंने अपनी आँखों के विषय वाचा बांधी है. How can I be thinking of a girl? तो मैं कैसे कोई लड़की के बारे में सोचूं? Yeah, he made a covenant with his eyes. तो उसने अपने आँखों के विषय में एक वाचा बांध ली थी. What covenant he would have made? उसने क्या वाचा बांधी थी? A old testament man. एक पुराने करार का व्यक्ति. He doesn't have Bible. उसके हाथ में बाइबल नहीं है. He doesn't have a church. उसके पास एक कलीसिया नहीं है. He doesn't have elders. उसके पास अगुवाई नहीं है. He doesn't have fellowship. उसके पास संगति नहीं है. But he had a sense in his heart. लेकिन उसके मन में एक एहसास था. He said, "These eyes are to see God." उसने बोला ये जो आंखें हैं ये परमेश्वर को देखने के लिए बनाई गई. I should not defile these eyes. तो इसे मुझे अशुद्ध नहीं करना है. Young people, युवक लोग, are you defiling your eyes by seeing pornography, computer porno? क्या तुम अपने आंखों से अपने आंखों को अशुद्ध कर रहे हो कंप्यूटर पे अश्लील चित्र देख के? What gives pleasure to your eyes? क्या कौन से ऐसे चीजें हैं जिससे जिसके तुम्हारे आंखों को आनंद मिलता है? You are seeing something and God's spirit says, don't look at that. तुम उसको देखते हो और परमेश्वर का आत्मा तुम्हें तुमसे कहता है कि उसे मत देखो. But you continue to looking at that. लेकिन फिर तुम देखते जाते हो. Your spiritual eyes will go dim. तो तुम्हारा आत्मिक जो आंखें हैं वो अंधा होता जाता है. And what is the result of Job? और आयुब के जीवन में फिर परिणाम क्या था इसका? Job says, आयुब कहता है, I shall see my redeemer. आयुब 19 उसमें 22. तुम ईश्वर की नाई क्यों मेरे पीछे पड़े हो और मेरे मांस से क्यों तृप्त नहीं हुए? 27 वाक्य 27 Whom I shall see for myself? उसका दर्शन मैं अपना I shall behold. उसका दर्शन मैं आप अपनी आंखों से अपने लिए करूंगा और ना कोई दूसरा. Not another. Not another though my reins be consumed within me. I will see him. यहाँ पे मेरा हृदय अंदर ही अंदर चूर चूर भी हो जाए तो भी मुझ में तो धर्म का मूल पाया जाता है. In another place he says, not the strange eyes, my own eyes will see him. और कोई जगह पे ऐसा लिखा है कि कोई अनजाने आंखें नहीं लेकिन मेरे खुद की आंखें ही उसको देखेंगी. Do you want always somebody else to see God and tell you how God is? क्या तुम हमेशा ये चाहते हो कि कोई और परमेश्वर को देखकर तुम्हें बताए कि परमेश्वर कैसा है? Your spiritual life to start with growing, it is okay. अगर शुरुआत में तुम्हारे आत्मिक जीवन में ऐसा है तो ठीक है. Others can explain to you. दूसरे लोग तुम्हें बता सकते हैं ये सब चीज़. Depend on that. तो और तुम्हें उस समय उनके ऊपर ही निर्भर होना पड़ेगा. But when spiritually you grow, लेकिन जब तुम आत्मिक रीत में बढ़ते जाओगे, you should say, I am able to see my redeemer. तुम्हें भी ये बोलना चाहिए कि मैं भी अपने परमेश्वर को देख सकता हूँ. Not strange eyes, my own eyes will see him. कोई अनजान आंखें नहीं, मेरे खुद की आंखें ही देखेंगे उसको. Yeah, Job had an eyes which are enlightened. तो जो आयुब के पास एक ऐसे आंखें थी जो ज्योतिमय हो गए थे. He says, even if my whole body perishes, वो बोलता है कि इसके बावजूद कि मेरा पूरा शरीर नाश क्यों ना हो जाए, my eyes will see him. लेकिन मेरे आंखें जो है उसको देखेंगी. Job chapter 42. Job chapter 42 and verse 5. वाक्य 5. He says, I have heard of thee by hearing of the ear. मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था. But now my eyes see thee. परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती हैं. And wherefore I abhor myself and repent in dust and ashes. इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है और मैं धूली और राख में पछताप करता हूँ. So far I was hearing only the messages. अभी तक तो मैं सिर्फ मैसेजेस संदेश सुन रहा था. Always somebody has to tell about my God. हमेशा किसी और को मुझे बताना पड़ता था मेरे परमेश्वर के बारे में. But now my eyes see him. लेकिन अभी मेरे खुद की आंखें ही उसको देख पा रहे हैं. My spiritual eyes see him. मेरे आत्मिक आंखों से मैं उसको देख पा रहा हूँ. I am able to know my God. मैं अपने परमेश्वर को जान पा रहा हूँ. I know I am able to know the will of my God. मैं अपने परमेश्वर की इच्छा को जान पा रहा हूँ. I know what grieves his heart. मैं जान पा रहा हूँ कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जिससे उसके मन को ठेस पहुंचती है. I am able to find out what is the will of God. मैं पहचान पा रहा हूँ कि परमेश्वर की इच्छा क्या है. The family life. मेरे परिवार के जीवन में. Personal life. मेरे आपसी जीवन में. The church life. कलीसिया के जीवन में. What's the sign that somebody has seen God? तो ये चिन्ह क्या है कि किसी ने परमेश्वर को देखा है? The sixth verse he says. छठवें वचन में हम लोग देखते हैं. Job 42:6 says. आयुब 42:6. I abhor myself. इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है. I repent in dust and in ashes. मैं धूल और राख में पश्चाताप करता हूँ. Paul who prays for others that their eyes may be enlightened. प्रेरित पौलुस जो दूसरों के लिए
प्रार्थना करता है कि उनकी आंखें खुल जाए. His own eyes got enlightened. उसकी खुद की आंखों भी खुल गई थी. And he is able to see God. और वो परमेश्वर को देख पा रहा था. Then what was his response? तो उसका फिर उत्तर क्या था? Chiefest of all sinners. वो बोलता है कि मैं सबसे महान पापी हूँ. I cannot blame anybody. मैं किसी और के ऊपर दोष नहीं लगा सकता. Because if I blame anybody, I am a greater sinner than them. क्योंकि अगर मैं किसी और पे दोष लगाऊंगा तो उससे भी बड़ा पापी मैं हूँ. That is the attitude of a real man of God. और ये है मनोवृत्ति एक सच्चे परमेश्वर के बंदे की. Yeah, if God has given responsibility, he has to correct. अगर परमेश्वर ने तुम्हें जिम्मेदारी दी है तो तुम्हें सुधारना है. But otherwise, when his attitude, Lord, I am the chiefest of sinners. लेकिन वरना उसका जो मनोवृत्ति क्या है कि मैं सबसे महान पापी हूँ. You have given me much, Lord. तुमने मुझे बहुत कुछ दिया है परमेश्वर. And much will be asked from me. और इसलिए ज़्यादा तुम मुझसे मांगेगा. That's how Job was. और इसी तरह से आयुब था. He abhorred himself and repented in dust and ashes. वो खुद के ऊपर घृणा करता था और धूल और राख में पश्चाताप करता था. Have you ever felt that you are a very worse sinner? क्या तुमने कभी खुद के बारे में ऐसा महसूस किया कि तुम बहुत ही महान पापी हो? Lord, I have wasted my years. परमेश्वर, मैंने अपने कितने सारे साल व्यर्थ किए हैं? I could have been more blessing to the church. मैं कलेशिया में भी और एक बड़ा आशीष का स्रोत हो सकता था. I could have been a more blessing to many people around my home. मेरे इर्द-गिर्द या मेरे घर में मैं लोगों के और बड़ा आशीष बन सकता था. I could have shown God to many many people. मैं और कितने लोगों को परमेश्वर को दर्शा सकता था. But Lord, because of my laziness. लेकिन परमेश्वर, मेरे आलसीपन की वजह से. I have Failed, Lord. मैं असफल रहा हूँ. I am a sinner, Lord. और मैं एक पापी हूँ. Have you ever felt like that? क्या तुमने कभी ऐसा एहसास किया है? Sin means it is not stealing, fighting, and biting. All these things are not sins. पाप जरूरी नहीं कि उसका मतलब यही है कि मैं चोरी करूँ या लड़ाई झगड़ा करूँ. They are all sins, but I am not talking about those sins. वो सब भी पाप है, लेकिन मैं उन पापों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ. Sin is coming short. Little bit short of the glory of God. पाप का सही अर्थ यह है कि मैं परमेश्वर की महिमा से थोड़ा कम आ रहा हूँ. Lord, I am seeing your glory. परमेश्वर, मैं तेरी महिमा देख रहा हूँ. I am short, Lord. और मैं देख रहा हूँ कि मैं कितना दूर हूँ उससे. I abhor myself. और इसलिए मैं खुद पे घृणा करता हूँ. Yeah, rise our heart to be enlightened. तो ये चीज के लिए हमारे आंखों को ज्योतिमय होना पड़ेगा. Paul says, when your eyes are enlightened, you can see three things. पॉलस कहता है कि जब तुम्हारे आंखें ज्योतिमय हो जाएंगे तो फिर तुम तीन चीजें देख पाओगे. We come back to Ephesians. तो हम वापस एफिसियों में आएंगे. Chapter 1. Ephesians chapter 1 and verse 18. Ephesians chapter 1, वाक्य 18. Yeah. He says, the eyes of your understanding being enlightened, that you may know what is God's, the hope of his calling. और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिमय हो कि तुम जान लो कि उसके बुलाने से कैसे आशा होती है. What are the what's the glory of his inheritance in the saints? कि उसकी जो मिरास में की जो महिमा है उसके लोगों की, उसकी आशा क्या, उसकी महिमा क्या है? Riches of the glory of his inheritance. और पवित्रत लोगों के उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है? And the exceeding greatness of the power of God. और परमेश्वर की जो सामर्थ, बहुत ही अद्भुत सामर्थ है वो. God has called every one of you. तो परमेश्वर ने यहाँ पे तुम सभी को बुलाया है. What he has called you. उसने तुमको बुलाया है. What is the hope of that calling? तो वो बुलावे का आशा क्या है? Romans 8:28-29 we read. रोमियो 8:28-29 हम पढ़ते हैं. As many as he called. उन जितनों को भी उसने बुलाया है. He predestined them to become like the sons of God. उसने पहले से उनको ठहराया है कि वो परमेश्वर के पुत्र जैसे बने. To become like the son of God. कि वो परमेश्वर के पुत्र जैसे बने. Like Jesus Christ. प्रभु यीशु जैसे बने. He has called every one of you so that we can become like Jesus Christ. तो उसने हम सभी को बुलाया है ताकि हम लोग प्रभु यीशु जैसे बने. That is the hope. ये हमारी आशा है, हमारे बुलावे की. That is the hope of our calling. ये हमारी आशा है बुलावे की. Every day, Lord, I have to become like you. हर रोज मुझे तेरे से बनना है प्रभु. I should not become arrogant. मुझे घमंडी नहीं बनना है. I should not become like devil. मैं शैतान जैसे नहीं बनना है. I should become humble. मुझे नम्र बनना है. That is our calling. ये हमारा बुलावा है. That's the hope of calling. ये हमारे बुलावे की आशा है. The second thing is, what are the riches of his inheritance among the saints? और दूसरी चीज है कि क्या वो धन है जो उसके मिरास के लोगों के मिरास में है. Suppose you are having a land, plot of land. सोचो अगर तुम्हारे पास बहुत सारा जमीन है. And your next plot. और बाजू वाले जमीन. यू फाइंड वन मॉर्निंग यू हियर अ न्यूज़. तुम्हें खबर मिलती है. अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप और फॉर्मर प्रेसिडेंट ओबामा, समबडी हैज परचेस दैट लैंड. कि अमेरिकी का जो राष्ट्रपति है ट्रंप या जो ओबामा, जो भी, उसने वो जगह खरीद लिया है, जमीन खरीद लिया है. और मुकेश अंबानी हैज परचेस्ड.
that land. या मुकेश अंबानी ने आके वो जमीन खरीद ली है. And what a great joy for all the people around that place. तो क्या महान बात है ये उन सभी लोगों के लिए जो वो जमीन के इर्द-गिर्द रहते हैं. This land belongs to Trump. अरे ये जो जमीन है ये ट्रंप का है. And he definitely is going to do something. और जरूर वो कुछ महान काम यहाँ पे करेगा. Might be 50 acres of land. हो सकता है कि 50 एकड़ जमीन है. We do not know he's going to construct something. पता नहीं कुछ ना बड़ा तो बनाएगा वो. Everybody is excited. और सभी लोग बहुत ही उत्साहित हैं. Everybody is looking. सब लोग देख रहे हैं. And they are cleaning the land. And they are cleaning the और land. वो लोग जमीन को साफ कर रहे हैं. And digging some pits. और थोड़ा गड्ढे खोद रहे हैं. Everybody is looking on it. सब लोग उसी सबकी नजर उस पे ही है. And so many securities are there because now it is belonging to ट्रंप. और वहाँ पे बहुत सारी सिक्योरिटी लोग भी है क्योंकि अभी वो ट्रंप का जमीन है. एंड डे एंड नाइट देयर सिक्योरिटी. और सुबह शाम वहाँ पे पुलिस या वॉचमैन रहता है. सडनली सम हेलीकॉप्टर आर इज गोइंग अप. फिर तुरंत एक दिन हम लोग देखते हैं कि एक हेलीकॉप्टर वहाँ से ऊपर जा रहा है. टेक्स केयर ऑफ दैट लैंड. और टेक्स केयर ऑफ दैट लैंड. वो जमीन का ख्याल रखता है. बिकॉज समबडी हैज परचेस्ड. क्योंकि किसी ने उसको खरीदा है. एंड यू एंड आई वी आर परचेस्ड बाय गॉड. और तुम और मैं हम लोग भी परमेश्वर से खरीदे गए हैं. हेवी प्राइस ही हैड टू पे. और एवरी प्राइस प्रभु यीशु का जो खुद का खून है वो बहाया गया था ताकि तुम और मैं खरीदे जा सके. एंड समबडी इज आस्किंग ट्रंप्स डायरी एंड दे आर सेइंग व्हाट आर ऑल हिज प्रॉपर्टी. और कोई ट्रंप से उसकी डायरी पूछ रहे और बोल रहे कि तुम्हारी क्या क्या संपत्ति है हमें दिखाओ. एंड ऑन द टॉप ही हैज रिटन इन इंडिया इन बॉम्बे नो आई हैव 5 एकर्स ऑफ लैंड. और वहाँ पे ऊपर लिखा है कि इंडिया में मुंबई में 5 एकड़ जमीन है. यस ही इज प्राउड अबाउट इट. और उसके बारे में वो बहुत ही घमंडी है. द सेम वे गॉड इज प्राउड अबाउट यू. उसी तरीके से परमेश्वर हमारे ऊपर गर्व करता है. आई हैव रिच इनहेरिटेंस इन बॉम्बे. मेरे पास एक अमीर या धनवान मिरास है मुंबई में. देयर आर सम पीपल हुम आई हैव परचेस्ड. कुछ ऐसे लोग हैं जिनको मैंने खरीदा है. डोंट यू थिंक ही विल केयर फॉर यू. क्या तुम फिर सोचते हो कि वो तुम्हारा ख्याल नहीं रखेगा. He has put special angels to guard you. उसने तुम्हारे इर्द गिर्द खास स्वर्गदूत रखे हैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए. Always heavenly helicopters are flying over you. हमेशा स्वर्गीय हेलीकॉप्टर तुम्हारे ऊपर मंडराते रहते हैं. To watch over you. ताकि वो तुम्हारा ख्याल रखे. Angels are asking, why are you sending so many angels there? और फिर स्वर्गदूत पूछेंगे कि इतने सारे स्वर्गदूतों को क्यों भेज रहे हो तुम परमेश्वर. इट इज माय प्रॉपर्टी. क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि ये मेरा संपत्ति है. आई हैव बिकम रिच बिकॉज ऑफ दैट. इनके वजह से मैं अमीर हुआ हूँ. रीड दिस वर्स केयरफुली. तो ये जो बिकम रिच बिकॉज ऑफ यू एंड मी. ये जो वचन है इसको ठीक से पढ़ो. वो अमीर हुए हैं तुम्हारे और मेरे वजह से. व्हेन यू हियर दिस इन योर इयर्स यू विल नॉट बी एबल टू अप्रिशिएट. तो जब हम लोग ये अपने कानों से सुनते हैं तो हो सकता है इसको हम लोग ठीक से भाए नहीं. वी हैव टू सी इन आवर स्पिरिचुअल आईज. उसको लेकिन हमें अपने आत्मिक आंखों से देखना पड़ेगा. एंड देन यू विल जंप. You'll get excited and you'll get thrilled. तभी तुम खुशी से उत्साहित होके कूदोगे. Lord, you became rich because of me. प्रभु तू धनवान हुआ है मेरे वजह से. So even without earth, without any people, without any church, God is self-sufficient. बिना कोई लोगों के बिना इस धरती के भी परमेश्वर खुद में ही सिद्ध है. Nothing is going to add his value. कोई भी चीज उसके मूल्य को बढ़ाने नहीं वाली. Can you increase the temperature of the sun? By heating it by a candle. क्या तुम सूरज का जो तापमान है उसको और बढ़ा सकते हो एक मोमबत्ती से. अगर मोमबत्ती से आर सम फायरवुड्स कैन यू हीट द सन एंड इंक्रीज हिज टेम्परेचर. या कुछ लकड़ों को आग लगा के क्या तुम सूरज के तापमान को और बढ़ा सकते हो. इम्पॉसिबल. नहीं असंभव है. इन द सेम वे हाउ कैन यू मेक गॉड रिच. उसी तरीके से तुम और मैं परमेश्वर को कैसे धनवान बना सकते हैं. सपोज यू आर मीटिंग मुकेश अंबानी एंड गिविंग सम 500 रुपीस. सोचो अगर तुम मुकेश अंबानी को मिले और उसको 500 रुपए देते हो. विल ही से दैट आई हैव बिकम रिचर. तो क्या वो बोलेगा कि मैं और धनवान हो गया हूँ. नो नो हिज प्रॉपर्टी सो मच दैट दिस एडिशन इज लाइक नथिंग. तो वो बोलेगा मेरे तो धन इतना है कि ये थोड़ा सा तो कुछ भी नहीं है. बट गॉड सेज. लेकिन परमेश्वर कहते हैं आई हैव बिकम रिच. कि मैं धनवान हुआ हूँ. बिकॉज ऑफ दिस थिंग्स. क्योंकि मेरे संतों की वजह से. ज़फनिया ही सेज ही इज रिजॉइसिंग बिकॉज ऑफ यू. ज़फनिया में लिखा है कि वो आनंद मनाता है तुम्हारे वजह से. सो इफ यू फील दैट यू आर नोबडी एंड इफ यू आर स्ट्रगलिंग विद इनफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स यू कैन गेट बोल्डनेस. तो अगर तुम सोचते हो कि तुम कोई नहीं हो और तुम्हें खुद के बारे में बहुत बुरा लगता है तो फिर You may be nobody in the people's eyes. तो तुम किसी के नजरों में तो कुछ नहीं रहोगे. People may treat you badly. और लोग हो सकता है तुम्हारे साथ अन्याय करे. Respect you. या तुम्हारा आदर ना करे. People may not esteem you. या तुम्हें मान ना दे. All the more when you say you are a Christian, they may still consider you low. हो सकता है कि तुम बोलो कि तुम एक विश्वासी हो और फिर भी वो तुम्हें तुच्छ समझते हैं. Especially in Kerala, no, if you are a Jacobite Christian, you are very ग्रेट मैन. खासकर केरला में अगर तुम एक जैकोबाइट मसीह हो तो फिर तुम बहुत ही महान व्यक्ति हो. Once you leave that and join our fellowship,
लेकिन एक बार तुम वो छोड़ के अगर तुम हमारे कलेश में आते हो, they think that you are good for nothing. फिर वो लोग सोचते हैं कि तुम कोई काम के नहीं हो. Christians, how they esteem Christians. तो इस तरीके से मसीह लोग दूसरे मसीह लोग को कैसे सोचते हैं? In my place, one elder is there. मेरे जगह पे एक अगुआ है. In Kerala. केरला में. He says none of my relatives call us for any function. तो वो बोलता है कि मेरे जितने भी रिश्तेदार हैं हमें कोई भी फंक्शन में नहीं बुलाते. Because we left the church. क्योंकि हमने उनकी कलेशा छोड़ दी. They don't consider us as men. As men, वो हम लोग को इंसान भी नहीं समझते. Yeah, why should we give waste our money by sending one invitation to them? क्यों हमें अपना पैसा बर्बाद करना है उनको आमंत्रित करके? When we go there, they don't talk. तो वहाँ पे हम लोग जाते तो लोग बात नहीं करते. They insult. वो लोग हमारा अपमान करते हैं. That is a type of life we are living. तो इस तरीके का जीवन हम लोग जी रहे हैं. But you let your eyes be enlightened to see how God is thinking about you. लेकिन तुम्हारे आँखें हैं वो ज्योतिमय हो जाए ताकि तुम देख सको कि परमेश्वर तुम्हें कैसे देखता है. David says all my God is always thinking about me. दाऊद कहता है कि परमेश्वर हमेशा मेरे बारे में सोचता रहता है. I am a small and humble man. इसलिए मैं एक छोटा कद का और एक नम्र व्यक्ति हूँ. God is always thinking of me. और परमेश्वर हमेशा मेरे बारे में सोचता है. Like a mother is thinking of the child. जैसे एक माँ हमेशा उसके बच्चे के बारे में सोचती है. Yeah, when my son says I am coming from Coimbatore by bus to Tanjavur. जब मेरा बेटा बोलता है कि मैं कोयम्बतूर से बस से तंजावुर आ रहा हूँ. I don't sleep throughout night. तो पूरा रात में सोता नहीं हूँ. Whether he got the bus. क्या उसको बस मिला? Whether he came to this place. क्या उस जगह पे आया? I ring up and ask him, have you reached Karur? मैं फोन करके पूछता हूँ कि तुम ये जगह पहुंचे क्या? Yeah, did you take any tea or coffee? क्या तुमने चाय कॉफी पिया क्या? Then you tell me the correct time you come, you know, so that I don't want him to stand on the road. Immediately I want to be ready with the vehicle. फिर तुम सही समय पे जब पहुंचोगे मुझे पहले से बता दो ताकि तुम वहां पे रुको नहीं, मैं आके तुम्हें उठा लूं वहां से गाड़ी में. An evil father, when he is thinking about his son like that, how much more our good father, heavenly father is thinking about you. तो एक दुष्ट पिता जब ही अपने बच्चे के बारे में इतना कुछ सोच सकता है तो फिर एक स्वर्गीय पिता परमेश्वर अपने बच्चों के बारे में कितना सोचेगा? Let our eyes get enlightened. तो हमारी आंखें जो है उसको उजाला उसमें आना है. Paul's sincere prayer. Sincere prayer. और प्रार्थना. And the last thing is that to show the greatness of his power. और आखिर की ये चीज है कि वो अपने शक्ति के सामर्थ्य को दिखाता है. Which raised Jesus Christ from death. वही शक्ति जिसने प्रभु यीशु को मृत्यु से वापस जिलाया. And that power exalted Jesus Christ above everything. और वो जो शक्ति है जिसने प्रभु यीशु को हर एक चीज के ऊपर उठाया. When he was raised from the dead, all our spirits were also raised. जब वो मृत्यु से जिलाया गया था तो हमारा जो आत्मा था उसके साथ वो भी जिलाए गए. All our spirits were raised to the heavenly places. हमारे जो आत्माएं थे वो सभी स्वर्गीय स्थानों पर जिलाए गए थे, उठाए गए थे. Yeah, through the blood you have come very close to God. हाँ, परमेश्वर या प्रभु के लहू के द्वारा तुम परमेश्वर के बहुत निकट आ गए हो. Yeah, somebody has sent me a WhatsApp photo. किसी ने मुझे WhatsApp photo भेजा था. In some places, no, there is a heavy cloud. कुछ जगहों पे जो बादल होता है बहुत घना होता है. Dark cloud. Dark cloud. बहुत ही घना बादल होता है. So low. और बहुत ही नीचे आता है. And there you have the sea. और वहाँ पे समुद्र भी होता है. It's almost that the cloud and sea are joined. और ऐसा लगता है कि वो बादल और समुद्र जो है वो जुड़ रहे हैं. Heavy shower of water. और बहुत ही बारिश होता है वहाँ पे. And you can, very difficult to find out where is the cloud and where is the water and where is the sea. और समझ में नहीं आता कि बादल कहाँ पे खत्म होता है, पानी बरस जो बरसना है वो कहाँ पे खत्म होता है, समुद्र कहाँ पे चालू होता है. Same thing has happened when you and I were born again. वही होता है जब तुम और मैं नया जन्म पाते हैं. Our spirit had access towards heavenlies. हमारे जो आत्मा है उसको स्वर्गीय स्थानों के लिए प्रवेश मिलता है. Because of the Holy Spirit who is everywhere, he has occupied us. पवित्र आत्मा की वजह से जो सब जगह पे है वो हमारे अंदर आके बसता है. That's why Bible says that we are seated in heavenly places. और इसलिए बाइबल कहता है कि हम लोग स्वर्गीय स्थानों पे बसे हैं. So let our eyes get enlightened. तो हमारे जो आंखें हैं उनको ज्योतिमय होना है. For that we have to protect our eyes. और उसके लिए हमें अपने आंखों को सुरक्षित रखना है. Morning we were talking about the Holy Spirit. सुबह के समय हम लोग पवित्र आत्मा के बारे में बात कर रहे थे. The Holy Spirit comes into our lives. पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है. He changes our attitude. वो हमारे मनोवृत्ति को बदलता है. He changes our attitude towards everything. वो हमारे मनोवृत्ति को हर चीज की तरफ बदलता है. Yeah, when the Holy Spirit came on the disciples on the in the Acts of the Apostles chapter 2. जब ये पवित्र आत्मा चेलों के ऊपर आया था प्रेरितों के काम चैप्टर 2 में. Yeah, their entire attitude changed. तो उनका पूरा जो मनोवृत्ति था वो बदल गया था. They sold everything and brought everything in common. उन्होंने सब चीज बेच दिया और सब चीज को सामान्य कर दिया एक दूसरे के बीच. Some Bible history says like this. कुछ जो बाइबल के इतिहासी लोग हैं वो लोग कहते हैं. When they accepted Jesus Christ. जब उन्होंने प्रभु यीशु को स्वीकारा. That Roman government will come and snatch their lands. तो जो रोमियो को जो सरकार था वो आके उनकी जमीनों को छीन लेता था. It will not allow them to enjoy the land. और वो लोग उनको अनुमति नहीं देते थे कि वो लोग अपने जमीन का आनंद ले. What believers did was they immediately they will sell their land. At least they'll get money. तो विश्वासी क्या करते थे, तुरंत जमीन को बेच देते थे तो कम से कम उनको हाथ में पैसा आ जाता था. And they will sell their land immediately because before they come and get the land. तो इसके पहले कि सरकार आके उनको जमीन को जब्त कर ले वो लोग अपने जमीन को बेचकर पैसा कमा लेते थे. And they bring it in the church. और वो पैसे को लोग कलीसिया में लाते थे. And
if they have they had fear also aur unke mann mein ek dar bhi rehta tha so they had great comfort in the church to kalesia mein bahut ek sukh ka vatavaran tha they brought everything and then they enjoyed in common aur wo log sab kuch sath mein leke aate the aur sath mein anand lete the ananias and sapphira also sold their land like that usi tarike se ananias aur sapphira jo tha unhone bhi apni zameen becha but they didn't bring the entire amount lekin unhone jo pura jo unka kamaya tha wo nahi laya there was no command that they should bring the entire amount to the church to aisa kuch aadesh nahi tha us samay ki tumhe pura jo tumhara paisa tha wo lana hai could have kept 75% and they could have given only 25% ho sakta hai ki wo log 75% apne liye rakhte aur sirf 25% kalesha ke liye late but they wanted to give to god lekin unko parmeshwar ki taraf dena tha they wanted to get a name that they have given the entire amount to god lekin sath hi sath unko ek naam kamana tha ki unhone pura keemat kalesha ko de diya hai they were seeking honor kyunki wo log naam ya aadar kamane ki koshish kar rahe the people are standing in the line aur log wahan pe line mein khade the they are asking how much you sold wo log puch rahe the ki tumne kitne mein zameen becha i sold for 2 lakhs and 2 lakhs it is here I'm going to give. तो उसने बोला कि मैंने 2 लाख में बेचा और 2 लाख यहाँ पे मैं लाया हूँ देने के लिए। Somebody is asking Ananias, how much you sold? फिर कोई अनन्या से पूछ रहा है कि तुमने कितने में बेचा? They already kept 50% of the amount in their home. तो पहले उन्होंने 50% जो पैसा है घर पे रखा है। And he says, no, we sold it for 3 lakhs and we 3 lakhs we have bought here. लेकिन उन्होंने बोला कि हमने 3 लाख में बेचा है और 3 लाख यहाँ पे हमने लाया है। Yeah, they told lie to the Holy Spirit. तो उन्होंने वहाँ पे पवित्र आत्मा के खिलाफ एक झूठ बोला। And we know what happened to Ananias and Sapphira. और हम लोग जानते हैं कि अनन्या और सफीरा के साथ क्या हुआ? They died. वो लोग वहीं पे मरे। Because of money. पैसे की वजह से But at the same time, Holy Spirit needs money. लेकिन पवित्र आत्मा को पैसे की जरूरत है He can work without money also. और वो बिना पैसे के भी कार्य कर सकता है The early church, they wanted, they needed money. जो शुरुआत का जो कलेशा था उनको पैसे की जरूरत थी Yeah, in Jerusalem, there was a poverty. क्योंकि यरूशलेम जो शहर था वहाँ पे गरीबी बहुत थी Paul went to the churches at Ephesus and many other places and collected money and Ask them to send it to Jerusalem. और प्रेरित पौलुस इसे अलग-अलग कलेशों में जाता था, एफिसियो में, कोरिन्थियो में, वहाँ पे पैसे जमा करता था और यरूशलेम के विश्वासियों के लिए भेजता था। So Holy Spirit needed money for the Jerusalem believers to be protected. तो पवित्र आत्मा को पैसों की जरूरत पड़ी ताकि यरूशलेम में जो विश्वासी है वो लोग सुरक्षित रह सके। And Paul and Peter, they are going. और पौलुस और Not Paul and Peter, John and Peter. और यूहन्ना और पत्रस जा रहे थे yeah. Peter and John. और यूहन्ना और पत्रस जा रहे थे. There was a lame man sitting there. तो वहाँ पे एक अपंगी व्यक्ति बैठा था. And they say silver and gold I have none. और वहाँ पे पत्रस बोलता है कि चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है. And raise up and walk. लेकिन मेरे पास जो है वो तुम्हें देता हूँ खड़े होके चलो. So there they didn't have money but still Holy Spirit worked. तो वहाँ पे पैसों की जरूरत है लेकिन फिर भी पवित्र आत्मा ने कार्य किया. When we come to 2 Corinthians. फिर दूसरे कोरिन्थियों में जब हम लोग आते हैं. दूसरा कोरिन्थियों चैप्टर नौ We read a very special verse. तो एक खास वचन हम लोग पढ़ते हैं. Which has got lot of superlatives. जिसमें काफी सारे बड़े शब्द इस्तेमाल किए गए हैं. Yeah, 2 Corinthians. दूसरा कोरिन्थियों. Chapter 9. And verse 8. वाक्य 8. And God is able to make all grace abound toward you, that you always having all sufficiency in all things may abound to every good work. और परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुताई से दे सकता है जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो Here, Holy Spirit is telling about a grace. तो यहाँ पे पवित्र आत्मा अनुग्रह के बारे में बात कर रहा है Through that grace, God will bless you superlatively. और अनुग्रह के जरिए परमेश्वर तुम्हें बहुताई में आशीष देगा What is that grace? और वो अनुग्रह क्या है That grace is giving. और वो अनुग्रह है देना. They were 9th chapter. We find that they were giving to God. और 9वें चैप्टर में हम लोग देखते हैं कि वो लोग परमेश्वर की तरफ दे रहे थे. How can you give to God? कैसे तुम परमेश्वर को दे सकते हो? You should have money first. उसके लिए पहले तुम्हें पैसे चाहिए. How can you give money to God? कैसे तुम परमेश्वर को पैसे दे सकते हो? You have to be very careful with your finances. तुम्हें सबसे पहले खुद के खर्चे पाने में बहुत ही सावधानी बरतनी पड़ेगी. When you get salary. जब भी तुम्हें पगार मिलता है. You pray to God. तुम परमेश्वर की तरफ प्रार्थना करो. Lord, this is the salary. परमेश्वर ये मेरा पगार है. Bless this amount, Lord. इसको तो आशीष कर. Give us wisdom to spend it wisely. मुझे बुद्धि दे ताकि मैं इसका इस्तेमाल ठीक से करूं। Please prevent us, Lord, from unnecessary expenses. मदद कर कि हम लोग फालतू के खर्चे ना करें। From wastage of money. ताकि हम लोग पैसों को व्यर्थ ना करें। Let me not invest money foolishly, Lord. मैं पैसों को मूर्ख तरह के से इन्वेस्ट ना करूं। When you pray, do you think God will hear that prayer? तो क्या तुम सोचते हो कि जब तुम इस तरीके से प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर सुनेगा? Yes or no? हाँ या ना? You are doubtful. Yeah, God will answer the prayer. परमेश्वर उत्तर देगा। But then why we were not wise? लेकिन फिर भी हम लोग बुद्धिमान क्यों नहीं थे मामले में? Because we have not asked God. क्योंकि हमने परमेश्वर से मांगा नहीं है. We have not asked God for wisdom. हमने परमेश्वर से बुद्धि नहीं मांगा है. I know one doctor, he's a double MS.
एक डॉक्टर को मैं जानता हूँ, वो डबल एमएस है। एंड ही हैज टू चिल्ड्रन। और उसके पास दो बच्चे हैं। He gave up his job and he is doing ministry. तो उसने अपना काम का छोड़कर अभी वो सेवकाई में है। Of course, his wife was earning and supporting the family. तो उसकी जो पत्नी थी वो कमा रही थी और परिवार का ख्याल रख रही थी। He shared me, this month, Lord, I have less money. Please bless me. तो उसने एक दिन प्रार्थना किया कि परमेश्वर इस महीने में मेरे पास पैसे कम है तो तू मुझे आशीष दे। God answered their prayer. तो परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना का उत्तर दिया। My expenses were reduced. और उसके जो ये थे खर्चा थे वो कम हो गए। My children never wanted new dresses this month. मेरे बच्चे जो थे उनको ये इस महीने नए कपड़े नहीं चाहिए थे। My children never wanted to go for an outing. मेरे जो बच्चे थे उनको बाहर घूमना नहीं जाना था। So God can bless us through by reducing the expenses also. तो कभी-कभी परमेश्वर हमें आशीष दे सकता है हमारे खर्चों को कम कर भी। We cannot expect only to increase the amount. जरूरी नहीं कि हमेशा पगार ही बढ़ना चाहिए। Yeah, when the income is there, expenses are there. क्योंकि जब पगार होते हैं तो खर्चे भी होते हैं। When the expenses are reduced, you have एक्स्ट्रा मनी। तो जब भी तुम्हारे खर्चे कम हो जाते हैं तो तुम्हारे पास पैसे ज्यादा रहते हैं। That will also God will bless us. तो इस तरीके से भी परमेश्वर तुम्हें आशीष दे सकता है। So a part of money we give to God. तो फिर उसमें से थोड़ा पैसा हम लोग परमेश्वर की तरफ देते हैं। So we should teach our children also. तो हमें हमारे बच्चों को भी ये सिखाना है। See, in Pentecostal churches, they used to collect offering. तो Pentecostal कलीसिया जो थे वहाँ पे लोग ऑफरिंग लेते थे। So every day when we go for Sunday school, तो हमेशा हम लोग जब संडे स्कूल जाते थे, we will ask dad, give money. तो हम लोग पिता से पूछते थे पैसे दो ताकि हम लोग ऑफरिंग में कुछ डाल सके, दान पेटी में डाल सके। दैट विल गिव 50 पैसे फॉर द स्मॉल बॉय। तो पिता जो लड़का है उसको 50 पैसे देते थे, 75 पैसे एंड और 50 पैसे देते थे, 1 रुपी या 1 रुपया देते थे। वी विल टेक दैट और हम लोग ले लेते थे एंड वी विल पुट इट इन द और दान पेटी में डालते थे। दोस ओल्ड डेज इट वाज द मनी दे कुड गिव। पुराने दिनों में इतना ही पैसा दे पाते थे। बट नाउ आवर चिल्ड्रन आर फेसिंग अ सिचुएशन वेयर दे डोंट नो दैट दे हैव टू गिव टू गॉड। और आजकल का जमाना ऐसा आ गया है कि हमारे बच्चों को ये नहीं पता कि उन्हें परमेश्वर की तरफ पैसा देना है। हु विल टीच देम? कौन उन्हें सिखाएगा? एज पेरेंट्स वी हैव टू टीच देम। माता पिता होने की वजह से तुम्हें उन्हें सिखाना है। आई होप देयर इज एन ऑफर्टरी बॉक्स हियर। मैं आशा करता हूँ कि यहाँ पे एक दान पेटी है और इन योर चर्च या तो मेरे कलीसिया में है। गिव सम मनी एंड आस्क देम टू पुट इट। तो अपने बच्चों को सिखाओ, उनको थोड़ा पैसे दो और सिखाओ कि उसमें डाले। सपोज यू आर गोइंग टू पुट 100 रुपीस। सोचो अगर तुम जाके 100 रुपए डालने वाले हो। या 20 रुपीस यू गिव टू द चिल्ड्रन एंड आस्क देम टू पुट। तो उसमें से 20 रुपए बच्चे को दे दो और बोलो कि तुम जाके डालो। एंड देयर इज नो टाइथिंग इन द न्यू टेस्टामेंट। और नए करार में टाइथिंग नहीं है। बिकॉज़ वी बिलीव ऑल द मनी बिलोंग्स टू गॉड। क्योंकि हम लोग ये विश्वास करते हैं कि सारा पैसा परमेश्वर का है। एंड लॉर्ड एवरी मनी गिव मी विजडम हाउ टू स्पेंड। और हमें प्रार्थना करना है कि वो हमें बुद्धि दे कि हम उसका सही तरीके से इस्तेमाल करें। वी शुड नॉट स्पेंड इन अननेसेसरी थिंग्स एंड वेस्ट मनी। फालतू की चीजों में खर्च करके पैसों का व्यर्थ नहीं करना है हमें। या when we invest money it is better to get the counsel and advice of godly brothers or at least who are experienced in that. aur jab hum log paise ko kidhar invest karte hain to acha hai ki hum log kisi ki salah le le dharmik bhaiyon ki ya unki jo ye sab cheezon mein mahir hai. I know one brother, he is working as a teacher in a government school. ek bhai ko main janta hu jo ek sarkari school mein sikhate hain and the government salary is very much sufficient. और जो गवर्नमेंट लोगों का जो सरकारी जो नौकरी का जो पगार है वो काफी है। वाइफ इज आल्सो वर्किंग। क्यों? पत्नी भी काम करती है। बट बोथ ऑफ देम वांटेड टू द हस्बैंड वांटेड टू इन्वेस्ट मोर बिकॉज़ ही वांटेड टू अर्न मोर। तो लेकिन जो पति था वो और ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहता था क्योंकि उसको और पैसे चाहिए थे। 2 लाख द इन्वेस्टेड ऑन दैट ईमू हेन, यू नो दैट। हां, ईमू व्हाट? बर्ड। बर्ड। तो 2 लाख रुपए उसने ईमू करके एक पक्षी है वो चीज में इन्वेस्ट किया। या यू नो crores of rupees they are cheated. तो तुम्हें पता रहेगा कि ये बहुत ही बड़ा स्कैम था जहाँ पे बहुत सारे करोड़ों लोगों का झोल हुआ था, करोड़ों पैसों का झोल हुआ। should have learned a lesson. और उससे वो एक सीख गया। never learned a lesson. और उसने एक सीख लिया। invested an onion business. उसने सीख नहीं सीखा, sorry, उसने सीख नहीं सीखा। उसने फिर आगे जाके कांदे के व्यापार में वापस पैसे डाला। didn't get the payment. और वहाँ पे भी उसे पैसे नहीं मिले। another 2 lakhs he lost. और 2 लाख वो खो बैठा। he wanted to make up this loss. तो ये जो नुकसान हुआ अभी उसको वापस कमाना चाहता था। invested 5 lakhs in share. फिर उसने शेयर मार्केट में और 5 लाख डाले। जस्ट लाइक दैट लॉस्ट। और ऐसे ही पैसे गायब हो गए। And now his income is 20,000. और अभी उसका जो इनकम है, पगार है, वो 20,000 है। His interest towards loan is 45,000. लेकिन उसका जो कर्जा है, उसकी तरफ जो उसका ब्याज है, वो 45,000 है। Wife is crying. और she is crying. So पत्नी जो है, वो रो रही है। What to do? क्या करे? Income is 20,000. पगार तो 20,000. He has to take care of his family. परिवार का ख्याल रखना है। एंड एवरी मंथ इंटरेस्ट इज 45,000। और हर महीने जो ब्याज है वही 45,000 है। रिपेमेंट, जो वापस देने का पैसा। सो वी शुड नॉट गेट इनटू दिस डेट। तो हमें बहुत ही सावधानी बरतनी है कि हम लोग एक कर्जे में ना पड़े। एस्पेशली व्हेन यू वांट टू कंडक्ट सम फंक्शन और मैरिज। खासकर जब भी तुम्हें कोई शादी वगैरह करना है। वी नीड नॉट बॉदर अबाउट आवर प्रेस्टीज। हमें उस समय हमारा जो नाम है उसके बारे में चिंता नहीं करना है। समबडी सेड नो प्रेस्टीज इज अ कुकर। जैसे
जैसे किसी ने कहा प्रेस्टीज जो मान का इंग्लिश शब्द है वो कुकर है, मेक्स यू टू बॉइल, वो तुम्हें उबाल देता है. यू कैरी वीआईपी सूटकेस नो, तो तुम जैसे वीआईपी सूटकेस पकड़ते हो, या इट मे वांट्स यू टू बी अ वीआईपी, तो मतलब तुम्हें एहसास होता है कि तुम भी वीआईपी हो. एंड व्हाट हैपेंस, वी लूज मनी, और क्या होता है अंत में, हम लोग पैसा खो बैठते हैं. सो स्पेंडिंग ऑन प्रेस्टीज इज रियली यू विल गेट बॉइल्ड. तो अगर तुम मान के पीछे पैसा खर्च करोगे तो फिर तुम सच में अंत में उबल जाओगे. व्हाट अदर्स विल थिंक, फिर दूसरे लोग क्या सोचेंगे, दैट्स अ बिगेस्ट कर्स, ये बहुत ही बड़ा श्राप है. व्हाट अदर्स वुड थिंक, दूसरे लोग क्या सोचेंगे, से इफ ही थिंक्स दैट इज हिज प्रॉब्लम, अगर वो सोचेगा तो उसका प्रॉब्लम है, इट्स नॉट माय प्रॉब्लम, मेरा प्रॉब्लम नहीं है. आई एम आंसरेबल टू गॉड, मैं तो परमेश्वर की ओर उत्तर दूंगा. आई नो व्हाट इज माय इनकम, मुझे पता है कि मेरा इनकम क्या है. हे व्हाई स्टिल यू आर हैविंग ओनली दिस ओल्ड फोन, तुम्हारे पास अभी भी ये पुराना फोन क्यों है. Yeah, I use it only for communication. क्योंकि मैं इसको सिर्फ बातचीत के लिए इस्तेमाल करता हूँ. That is sufficient for me. मेरे लिए इतना काफी है. I need not buy something just to get the feeling of somebody from others. मुझे कोई चीज इसलिए नहीं खरीदना है ताकि मैं दूसरों के नजर में कोई बड़ा व्यक्ति दिखूं. Especially young people. खासकर युवकों के लिए. We know, you should know the value of money. तुम्हें पैसों का जो मूल्य है वो जानना है. Start saving some money. अभी से बचाना सीखो. By the time you get married, you should have at least some savings. ताकि जब तक तुम्हारी शादी हो, तुम्हारे पास थोड़े तो पैसे हो. Otherwise, wife will come and ask, so far you have earned money, what have you kept? वरना पत्नी आके पूछेगी, अभी तक पैसे कमाए सब कहाँ पे गए? Now, how can I trust you as my husband? और फिर मैं कैसे भरोसा करूं तुम पे एक पति के जैसे? Yeah, please save money. तो इसलिए पैसे बचाओ. Immediately do go, don't go and spend. अब तो तुरंत जाके खर्च मत करो. It is a disease. क्योंकि वो एक बीमारी के जैसी है. So I have seen many young people spending money like that. तो मैंने कई बार युवकों को देखा है कि वो लोग कैसे भी खर्च करते हैं. Yeah, we have to provide the money to the needy people. कई बार हमें पैसे देने पड़ते हैं जरूरतमंद लोगों को. To the ministry. सेवकाई की ओर. And we need some money for our future also. और कई बार पैसों की जरूरत पड़ती है भविष्य के दृष्टि से भी. Nothing wrong in saving money. तो पैसे बचाने में कोई गलत नहीं है. Suddenly some medical expenses come. और कभी कभी सोचो कभी दवाई वगैरह का खर्चा आता है. Where will we go? तो उस समय हम लोग कहाँ पर जाएंगे? I told you about a sister who wants to spend lot of money, 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 money. मैंने बताया था कहानी जहाँ पर एक बहन थी जो बहुत ही पैसा खर्च करती थी. And finally, what happens? The fellow who wanted to earn money, he earned a wife, another wife also. जो फिर क्या हुआ अंत में, वो जो व्यक्ति था जिसको और पैसे कमाने था, उसने जाके और एक पत्नी भी खरीद लिया. The family broke. और जो शादी था, जो परिवार था, वो टूट गया. Children and wife are in tears. और जो बच्चे थे और पत्नी थे, वो लोग रो रहे थे. So, money is not everything. तो पैसा ही सब कुछ नहीं है. Worldly people measure you how much is your salary package. दुनिया के जो लोग हैं वो तुम्हारे पगार के ऊपर तुम्हें नापते हैं. I need not have the same yardstick. लेकिन जरूरी नहीं है कि मैं भी उन्हीं के जैसे लोगों को नापूं. How God values you. कैसे परमेश्वर तुम्हारा मूल्य कैसे लगाता है? Oh, this month he got bonus and incentive. My son is very valuable. हाँ, ये महीने में उसको बोनस मिला है, उसका पगार बढ़ा है, तो अभी उसका मूल्य बढ़ गया है. This month my son salary is less, so he's little less valuable. दूसरे महीने में उसका पगार कम हो गया, तो उसका मूल्य कम हो गया. Will God think like that? क्या परमेश्वर ऐसा सोचता है? No. नहीं. Our real value is how much humility we have. हमारा सच्चा मूल्य ये है कि हमारे अंदर नम्रता कितना है. How much love we have. कितना हमारे अंदर प्रेम है. How much the fruits of the Holy Spirit we have. पवित्र आत्मा का फल हमारे अंदर कितना है. How much the divine life we have. हमारे अंदर ये जो परमेश्वर का जीवन कितना है. That is our value. ये हमारा असली मूल्य है. So what are we aiming at? तो हमारा दृश्य, हमारा लक्ष्य कहाँ पर है? Yeah, there was a king. एक राजा था. And he was always having war. और वो हमेशा युद्ध में रहता था. Somebody asked him. और किसी ने उससे पूछा, ऑलरेडी किंग, यू हैव अ किंगडम, तुम्हारे नीचे एक राज्य है. व्हाई यू वांट टू हैव मोर वॉर्स एंड मोर कंट्री, तुम्हें और युद्ध करके और राज्य क्यों चाहिए? ही सेड आई वांट टू बी हैप्पी, क्योंकि वो बोल रहा था मुझे खुश रहना है. आई वांट टू अर्न मोर एंड मोर एंड मोर, तो मैं और जमीन अपने अंदर डालना चाहता हूं. एंड देन आई वांट टू टेक रेस्ट, और फिर मैं आराम करूंगा. दैट रेस्ट नाउ इटसेल्फ वी कैन टेक. तो ये आराम तो तुम अभी ले सकते हो. या People don't have satisfaction. तो लोगों के पास संतुष्टि नहीं है. Discontent is always there. हमेशा असंतुष्ट रहते हैं. Dissatisfaction. हमेशा असंतुष्ट रहते हैं. Dissatisfaction in your husband's earning. तुम्हारे जो पति का जो पगार है उसमें असंतुष्ट रहना. Dissatisfaction in how much God has given you. जितना परमेश्वर ने दिया है उसमें नाखुश रहना. This is a circle God has put in around everybody. तो तुम्हारे इर्द गिर्द परमेश्वर ने एक सीमा डाली है. How much income you should have. कि तुम्हारे पगार कितना होना चाहिए. Don't compare yourself always with a rich person. हमेशा जो धनवान व्यक्ति है उससे अपनी तुलना मत करो. I should buy a car like his car. कि मुझे भी वो भाई जैसे गाड़ी खरीदनी है. I should construct a house like what he has constructed. या जैसे वो भाई ने घर बनाया है मुझे वैसे घर बनाना है. And getting into debt. और फिर कर्ज में पड़ जाऊं. Yeah. One brother. एक भाई. He bought a plot. उसने एक प्लॉट खरीदा. And he wanted to construct a house. और वहाँ पे घर बनाना चाहते थे. He got loan. उन्होंने लोन लिया. Started constructing house. और घर बनाने चालू किया. And the government said, we are giving you this land also. और फिर सरकार ने बोला कि हम तुम्हें ये जमीन भी दे रहे हैं. And
फॉर दैट ही हैज टू गिव ब्राइब एंड सो मनी अमाउंट ही हैज टू स्पेंड और उसके लिए फिर उनको ब्राइब देना पड़ रहा था और फिर और पैसा खर्च करना पड़ रहा था गवर्नमेंट आल्सो गिव्स मनी टू कंस्ट्रक्ट हाउस और फिर गवर्नमेंट सरकार भी पैसा देता है कि तुम घर बांधो बट इफ इट इज अ 2 लाख हाउस गवर्नमेंट विल गिव ओनली 1 लाख तो अगर 2 लाख का घर हो तो सरकार 1 लाख देता है देन अनदर 1 लाख ऑफिसर्स विल शेयर फिर जो बाकी 1 लाख जो है वो दूसरे लोग बांटेंगे दिस ब्रदर कंस्ट्रक्टेड वन मोर हाउस तो उसके भाई ने और एक घर बांधा नेवर कंसल्टेड एनीबॉडी और किसी से पूछा नहीं He kept a distance. उसने एक दूरी रखी He is a carpenter. He has to go and work every day. तो वो एक सुतार है तो उसको हर रोज काम पे जाना पड़ता है He could not go for his work. तो वो अपने काम पे नहीं जा पाया He is constructing a house. क्योंकि वो घर बांध रहा है And finally, he could not pay back the amount he got from this brother so much amount another person amount this person 10000 50000 like that he got doubt huge loan aur is tarike se wo apna ghar bandh nahi paya usne ye bhai se wo bhai se char panch logo se alag alag paisa liya aur karze mein pad gaya after the house is constructed people started asking for money fir ek bar ghar bandh gaya uske baad wo sab log aake use paise wapas mangne lage he could not repay lekin wo paise wapas nahi kar paya he is a daily worker aur kyunki wo roz ka mazdoor hai loan is 12 lakhs 12 lakhs. और जो ये है लोन है वो 12 लाख का है एंड पीपल स्टार्टेड गिविंग हिम डिफिकल्टीज और फिर लोग उसको परेशान करने लगे वी टोल्ड हिम देयर इज नो अदर वे यू सेल द लैंड सेल द थिंग एंड रीपे द लोन हमने बोला और कोई चारा नहीं है अभी तुम वही जमीन वही घर को बेच दो और कर्ज चुका दो ही स्पेंट 12 लाख ऑन द हाउस तूने 12 लाख घर पे खर्च किए ही वाज एबल टू सेल इट ओनली फॉर 8 लाख लेकिन वो बेच पाया उसको सिर्फ 8 लाख के लिए अगेन ही हैज टू रीपे 4 लाख फिर भी उसके पास 4 लाख कर्जा बाकी था पीपल केम लोग आए कलेक्टेड हिज व्हीकल उसका गाड़ी लिया ऑल द ड्रेसेस उसके जो कपड़े थे वो लिए स्मॉल बॉक्सेस एवरीथिंग दे कलेक्टेड एंड केप्ट इन द हाउस सब छोटी छोटी जो भी उसके उपकरण थे चीजें थे सब घर में रख दिए ही डजंट हैव अ हाउस उसके सभी घर नहीं डजंट हैव ड्रेसेस कपड़े नहीं नो व्हीकल गाड़ी नहीं नो टूल्स और उपकरण नहीं लेफ्ट इन द मिडिल ऑफ द रोड और रास्ते पे आ गया Then he went to his sister's house. फिर वो अपने बहन के घर पे गया. And got money and started eating. और थोड़ा पैसे लिया और खाने लगा. Started working. काम करने लगा. Now he has to repay the whole loan and after that he has to earn and then he has to buy a land and all. तो अभी उसको कर्ज चुकाना है, फिर कमाना है, फिर वापस घर बांधना पड़ेगा. It's exactly like the greedy man who cut open the duck to take all the golden eggs. तो ये उसी लालची व्यक्ति के समान है जो वो मुर्गी को काट देता है ताकि वो उसके अंदर के सारे सोने के अंडे को निकाल दे. Last, I know you know the story. तो मैं जानता हूँ कि तुम ये कहानी सुने होगे। Every day the duck was laying a golden egg. तो हर रोज वो जो बतख था वो एक सोने का अंडा देता था। He became very greedy. Only 30 days I allowed to wait to get 30 eggs. One day itself I cut and take all the eggs. तो वो सोचता था कि मुझे 30 दिन रुकना पड़ता है 30 अंडों के लिए तो मैं एक ही दिन में उसको काट के सारे अंडे निकाल लूंगा। No eggs were there. लेकिन जब उसने काटा तो उसको एक भी अंडा नहीं मिला। He lost the duck also. और वो बतख भी मर गया। At least if he had had the duck every day you will get one golden egg. कम से कम अगर बतख रहता तो एक दिन में एक सोने का अंडा तो मिलता। These stories are good stories. तो ये जो कहानियां हैं अच्छी कहानियां हैं। The greedy man. लालची आदमी। So We have to be very, very careful. तो हमें बहुत ही सावधानी बरतनी है। We have to be honest. हमें सच्चा रहना है। We need not hide things from हमें brothers. छुपाने की जरूरत नहीं भाइयों से। We not hide things from sisters. बहनों से छुपाने की जरूरत नहीं। A financial decision means you consult brothers. भले वो पैसे का मामला हो लेकिन भाइयों की सलाह लो। And take advice from them. और उनकी सलाह लो। Yeah, many people ask me whether I can invest in shares. काफी बार लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं शेयर्स में पैसे डालूं क्या? Yeah, it is a very, 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 very dangerous area. बहुत ही खतरनाक चीज है वो. Yeah, either you get or you lose. या तो तुम्हें मिलेगा तो अच्छा मिलेगा या तो कुछ नहीं मिलेगा. We have to be very, very careful. तो इसलिए बहुत ही सावधानी बरतनी है. And especially sisters and children, you should not nag your husband. No, you know your husband's amount. You should not go on nagging. Yeah, you get me a salary for 15,000 rupees, 20,000 rupees. No. और पत्नी और बच्चे तुम्हें सावधानी बरतनी है कि तुम अपने पिता या पति को ज्यादा परेशान नहीं करो अगर तुम जानते हो कि उनका पगार कम है तो बड़ी बड़ी मांगे मत करो कि मुझे इतने हजार की साड़ी चाहिए या वो चाहिए ये चाहिए Let us learn to live within the income God has given us. तो हमें सीखना है कि वो जो सीमा या जो वो जो कमाई परमेश्वर ने हमें दी है उसी में हम रहें Matthew 6:33 says, Seek ye first the kingdom of God and his righteousness. Matthew 6:33 कहता है कि तुम परमेश्वर के राज्य के सबसे पहले खोज करो बाकी सारी चीज वो तुम्हें दे देगा All these things shall be added unto you. बाकी सब चीजें तुम्हें वो दे देगा So God is a good God. तो परमेश्वर एक अच्छा परमेश्वर God is a faithful God. परमेश्वर एक विश्वासीय परमेश्वर And those who have trust in God, he will not leave you alone. और जो लोग परमेश्वर में विश्वास करते हैं उनको वो कभी अकेला नहीं छोड़ेगा He will meet all your needs वो तुम्हारे सारे जरूरतों को पूरा करेगा but he may not meet all your wants लेकिन हो सकता है कि तुम्हारे सारे मांगों को वो पूरा ना करे I hope you know the difference between need and want तो मैं आशा रखता हूं कि तुम्हें अंतर पता है तुम्हारे मांगों के बीच और तुम्हारे जरूरतों के बीच yeah 3 times food we need 3 times हां तो ये तीन वक्त का रोटी हमें जरूरत है but there are certain things which you want may not be necessary लेकिन कुछ ऐसे चीजें हैं जो तुम्हारी मांगे हो लेकिन जरूरी नहीं कि वो जरूरतें हो so if you are very careful with finances
तो अगर तुम पैसों के मामले में सावधानी बरतते हो, God's promise is there. तो परमेश्वर का वादा तुम्हारे लिए है. Luke chapter 16. लूका चैप्टर 16. Luke chapter 16. लूका चैप्टर 16. And verse 10. लूका चैप्टर 16 वाक्य 10. हाँ, verse 11. वाक्य 11. लूका 16. Chapter 16. वाक्य 11. And verse 11. If therefore you have not been faithful in the unrighteous mammon, which is money, who will commit to your trust the true riches? इसलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे ना ठहरे, तो सच्चा तुम्हें कौन सौंपेगा? True riches are the divine nature. सच्चा धन क्या है? परमेश्वर का स्वभाव, प्रेम, patience and the fruit of the spirit. धीरज, पवित्र आत्मा का फल. All these things God gives. ये सारे चीज परमेश्वर देता है. If you are honest with money matters. अगर तुम पैसों के मामलों में सच्चे हो. So there's a relationship between how we use money and also the riches of God is going to give. तो एक रिश्ता है कि हम कैसे पैसे खर्च करते हैं उसके बीच और जो आत्मिक धन जो परमेश्वर में देता है उन दोनों के बीच. So let us glorify God through our use of money. तो हमें परमेश्वर को महिमा लानी है हमारे पैसों के मामले में. I heard one preaching. He's a very famous preacher. मैंने एक प्रचारक को सुना था, बहुत ही मशहूर प्रचारक है. He was telling about the woman who lost one coin. वो out of 10 coins. वो उस स्त्री के बारे में बात कर रहा था जो 10 सिक्के में से एक सिक्का खो बैठती है. Luke chapter 15. लूका चैप्टर 15 में. And she started searching with a lamp. और वो एक ज्योति, एक दिए के साथ ढूंढने लगी वो सिक्के को. And he was telling out of 10 coins he lost one coin. और वो बोल रहा था कि 10 में से एक सिक्का वो खो बैठी. That means tithe. One tenth, no tithe. तो मतलब tithe, दसवीं हिस्सा. He says now the church has lost the tithe. तो वो बोल रहा था कि जो कलेशिया है वो दसवीं हिस्सा खो बैठा है. As pastors we'll have to have the light and we'll have to search for the tithe. और वो so बोल रहा था all the tithes are brought into the church. और वो बोल रहा था कलेशिया के जो पास्टर हैं अभी उनको दिए लेके ढूंढना पड़ेगा कि ये जो दसवीं हिस्सा है वो कहाँ पे खो गया है ताकि लोग उसको वापस ला पाए. The lamp is the revelation. तो वो जो दिया है वो प्रकाशित ज्ञान है. You should have the revelation about the tithe. तो तुम्हारे पास प्रकाशित ज्ञान होना चाहिए ये दसवीं हिस्से के बारे में. Everybody pretends that they got the revelation and they are putting the tithe. तो सब लोग फिर उस समय एक्टिंग करते हैं कि उनको ये प्रकाशित ज्ञान मिल गया है और सभी लोग जाके दशवांश डालने लगते हैं. It's not a poor church. तो ये कोई गरीब कलेशिया नहीं है. Already rich church. पहले से ही बहुत ही अमीर कलेशिया है. In one of the rich countries. एक बहुत ही अमीर देश में. It's like a huge mall, the church. एक बहुत बड़ा मॉल के समान है वो चर्च का इमारत. But the teaching is that you give money. लेकिन वहाँ पे जो प्रचार हो रहा है पैसों के मामले हो रहा है कि और पैसा दो. We don't ask money in that way. तो हम लोग उस तरीके से पैसे नहीं मांगते. We say the discipline in the financial matters. हम लोग सिखाते हैं कि पैसों के मामले में तुम्हें अनुशासन लाना है. May God help us, bless us financially also. और परमेश्वर हमें मदद करे, हमें आशीष करे पैसों के मामले में भी. May God meet all our needs also. और परमेश्वर हमारे सारे जरूरतों को पूरा करे. Let Holy Spirit control the way we spend money. पवित्र आत्मा नियंत्रण लाए हमारे पैसे खर्च करने के तरीकों के ऊपर. Let our eyes be enlightened in this area also. और हमारे जो आंखें हैं उनके उजाला, उनके ज्योतिमय होना है ये मामले में भी. May God bless us. परमेश्वर हमें आशीष करे. आमीन. आमीन.